जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जितने लोग दौड़ के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। मिला जुला कर काम चलाने लायक है। जिस भाई का टाइमिंग 5 डाउन होगा, 4:50 होगा, 4:45 होगा, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। जिस भाई का 5 प्लस होगा, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। और देखो ऐसा नहीं है ना, जैसे मतलब हम लोग कोई ट्रेनर नहीं है, कोई एकेडमी वाले नहीं है, तो हम लोग जो बताएंगे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, आप लोग अगर ध्यान से बात सुनोगे फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि आपको दौड़ने में हेल्प ना मिले। तो पूरा सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं शेड्यूल मतलब किस तरह दौड़ा जाता है अभी तक भी नहीं पता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन किया हूँ और ना ही मतलब स्टेडियम ज्वाइन किया हूँ। ग्राउंड पर आता हूँ, कपड़ा निकालता हूँ, कभी 3 किलोमीटर भाग जाता हूँ, कभी 5 किलोमीटर भाग जाता हूँ। ग्रुप में वैसे जैसे हमारे दोस्त दौड़ते हैं सब, वैसे मैं दौड़ लेता हूँ। इनको मतलब आज मैं ही बुलाया हूँ और पहले भी मैं बुला चुका था, इसलिए मैं बुलाया हूँ ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई दौड़ के बारे में बताओ, दौड़ के बारे में बताओ। तो देखो भाई, पहला नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप दिमाग से ये निकाल देना कि भाई मैं इन लोगों का बात सुनूंगा तो मेरा टाइमिंग घटेगा या नहीं घटेगा, ये लोग वैसे बता रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जितने लोग इनके साथ दौड़ते हैं ना मतलब उन लोगों का रनिंग अच्छा हो जाता है। अपने ग्राउंड पर जैसे माने जाने धावक है, इसलिए मैं इनको बुलाया हूँ। मैं सोचा हूँ हमसे बेस्ट तो यही रहेंगे, क्योंकि मतलब काम चलाने लायक हमारा रहता है, लेकिन ये तो मान लो जैसे हमसे बेस्ट है इसलिए ये बताएंगे तो बात अलग रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग फॉलो जरूर करना, ठीक है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और सोमवार को आप लोग कैसे दौड़ते हैं? सोमवार को हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, फिर वार्म अप करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। कितना किलोमीटर वार्म अप करते हैं? ये 1600 मीटर वार्म अप करते हैं। 1600 मीटर बस वार्म अप नॉर्मल करना है, भागना नहीं है, ठीक है ना, पूरा मतलब पैर रिलैक्स करके। उसके बाद हम लोग 400 मीटर भागते हैं, 400 मीटर भागते हैं 12। आपका ग्राउंड कितना भी है, आप कहीं भी दौड़ते हो, चाहे रोड पर दौड़ते हो चाहे ग्राउंड पर दौड़ते हो, आपको 400 मीटर 1 मिनट 10 सेकंड में दौड़ना है और वो भी 12 चक्कर मारना है, ठीक है ना। इतना दिमाग में बैठा लेना सोमवार को। अब आप लोग सोचोगे ऐसा करने से क्या होगा, भाई पहला दिन तो कुछ नहीं होगा और ना ही 1 महीने में कुछ होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे ना तो बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। तो सोमवार को आपको 400 मीटर का 12 राउंड दौड़ना है, ठीक है ना, और 1 राउंड 1 मिनट 10 सेकंड का होना चाहिए। और मंगलवार को 200 मीटर दौड़ना है, ऐसा नहीं है कि सोमवार को 400 मीटर दौड़े और मंगलवार को भी 400 मीटर दौड़ने लगे, 200 मीटर दौड़ना है। और 200 मीटर का टाइमिंग कितना होना चाहिए? 200 मीटर का टाइमिंग 30 सेकंड, 30 सेकंड होना चाहिए। और 30 सेकंड कितना मतलब 200 मीटर का कितना राउंड होना चाहिए? कम से कम 15 से 20 ऐसे लगाना है। देखो 20 राउंड 200 मीटर लगाना है मंगलवार को। और बुधवार को? बुधवार को 3 किलोमीटर लगाना है, प्रति किलोमीटर 3, 5 से 10 लगा सकते हैं आप नए हैं तो। 3 मिनट 10 सेकंड। बृहस्पतिवार को कितना किलोमीटर भागना है? बृहस्पतिवार को लगातार आपको भागना है 2 किलोमीटर, लगातार 2 किलोमीटर भागना है। कितना टाइमिंग होना चाहिए? आप अगर नए हैं तो 6 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग सुनी लिए हो, देखो यार मतलब टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान देना, टाइमिंग पर फोकस करोगे तो सही रहेगा। बार को आपको 3 किलोमीटर रहेगा, वही सेम रहेगा 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर, ये आप लगा सकते हैं 10 मिनट वाली लगा सकते हैं। और शनिवार को? शनिवार को आप 12 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। देखो मिला जुला कर इनके कहने का मतलब बस यही है, अगर आप रेस बनाना चाहते हो नए नए ग्राउंड पर आए हो तो आप जैसे सोमवार को 400 मीटर भागो, मंगलवार को 200 मीटर भागो, बुधवार को 3 किलोमीटर भागो, ठीक है ना। ऐसे करके भागना, ऐसे आपके दिमाग में जैसे टेंशन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ग्राउंड पर जैसे दौड़ते हैं ना 1600 मीटर भाग लेंगे तो फिर अगले दिन 2 किलोमीटर दौड़ना रहेगा तो दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। और जब आप ऐसे रेस्ट ले लेकर दौड़ोगे ना तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगा। बस इसीलिए मतलब ये सब बताया जाता है, यही बात मतलब पड़ता होगा क्योंकि हम लोग के दिमाग में भी ऐसा आता है। तो जितने भाइयों को शेड्यूल चाहिए थी उनको मिल गया होगा, अब आप लोग इसको फॉलो करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे भाई सोचेंगे ना, इनका मैं बहुत बार जैसे मैं बोला हूँ रेसर भूपेंद्र भाई, यूट्यूब पर इनका चैनल भी है तो बहुत सारे लोग जैसे इनको फॉलो भी किए हैं, और जितने भाई नहीं फॉलो किए हैं फॉलो कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से मेहनत करते हैं अभी तक जैसे कहीं ज्वाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए मतलब अपना टाइम देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कआउट अच्छा लगा होगा और अपने रेसर भूपेंद्र भाई को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है ना। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पहले भी बहुत बार दे दिया हूँ, और इनको बुलाने का मेरा बस एक ही मकसद है, मेरे से बेस्ट ये बताएंगे इसलिए मैं इनको बुलाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मेरे एक फैमिली के जैसे हो और मुझे अपना भाई मानते हो। अगर मैं आपको कोई मतलब मान लो जैसे जिससे फ़ायदा ही ना हो और मैं आपको बताऊँ तो फिर आप लोग हमारे बारे में क्या सोचोगे भाई, गालियाँ ही दोगे और कुछ तो नहीं करोगे, इसलिए मेरे से बेस्ट ये है, ठीक है ना। चलो ठीक है, सपोर्ट करना, अभी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया तो ये अपने घर जाएंगे। देखो हमारे ग्राउंड से भाई लोग रनिंग करके आ गए हैं और अभी हम लोग भी चलते हैं, ठीक है ना, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा फिर दिक्कत होगा। जय हिंद,
मिलते हैं, अभी आपको कब आना है? फिर आएंगे आप जो बुलाएंगे तो। ठीक है, कोई बात दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना? मैं जैसे बुला लूँगा, खुद बुला लूँगा।